नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो वड़कम, मैं रिचा, डिवाइन विजन अर्चा पर आप सबका स्वागत है। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स, माय शुगर पाइज, बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम वेलकम बैक। एंड आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ बैच, न्यू बैच फॉर टैरो कोचिंग, the tarot classes. So those of you who want to learn tarot, you guys can contact me on the undersigned, like, you know, the description box में मेरा email ID है, और Instagram पर मेरा page है Divine Vision RD नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे follow कर सकते हैं और reading book कर सकते हैं, या फिर आप जो है tarot sessions के लिए classes के लिए आप information भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जो आज का टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, एंड बहुत टाइम बाद मैं ऐसा टॉपिक कर रही हूँ। एंड आई रिमेंबर मैंने जब फर्स्ट टाइम एक इस तरह का टॉपिक किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर मी टू डू सच कॉन्टेंट। ओके, सो ओके, नेवर माइंड, चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डू। दो पाइल्स मैंने रखी हैं, उसमें चैनल मैसेजेस भी हैं आपके पर्सन की तरफ से, प्लस जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द फैंटेसीज ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू, फॉर यू, ठीक है। आपके पर्सन की क्या फैंटेसीज हैं आपके लिए, ठीक है। एंड दिस कुड बी 18+ कॉन्टेंट, सो यू नो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज दोज हु आर अंडर 18 डू नॉट वॉच इट, ओके, एंड यू नो जस्ट मूव अवे फ्रॉम द वीडियो, ओके, चेंज द वीडियो, वॉच समथिंग एल्स, ओके। एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड कॉन्टेंट, सो आई डोंट वॉन्ट एनी बैकलैश, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड टैरो डिस्कसेस एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट ओनली कि टैरो स्पिरिचुअल होता है तो वो इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं, डिस्कस नहीं करता। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड टैरो इज़ नॉट समथिंग, टैरो लाइफ के हर स्फीयर को कवर करता है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, ओके। सो मैं आपको पाइल्स दिखा देती हूँ, एंड टाइम स्टैम्प्स में भी डिस्क्रिप्शन में भी टाइम स्टैम्प्स दे रखी हैं, वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ओके। सो दिस इज पाइल नंबर वन, this is pile number 1, Luna Oracles, okay, Luna Oracles by Chiraksha Kaldra, Luna Oracles pile number 1, okay, and this is Dina Cooper Atlantis cards pile number 2, okay, okay, so this is pile number 1, this is pile number 2, pile number 1, pile number 2. So close your eyes, take a deep breath, and universe or God, Sukura se kahi se hi pal ki taraf aapko le jaye, aapko direct kare. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. If you need more time, you can pause the video. अगर आपको और time चाहिए तो आप video आप यहीं पे pause कर सकते हो, रोक सकते हो video यहाँ पे, ठीक है। So चलिए let's get started, okay, शुरू करते हैं reading. So for those of you जिन्होंने select किया था pile number 1, Luna Oracles, okay. So मुझे ऐसा message आ रहा है कि आप में से कुछ लोग या तो आप you know like कुछ लोग यहाँ पे readers या healers हैं, या आप बनना चाह रहे हो, आपकी intuition काफ़ी sharp है, ऐसा message मुझे आ रहा है। black या pink, black, pink, white और red और blue आपके favorite या आपके person के favorite colors हो सकते हैं। I'm getting a channel message that they love want to see you in black or red outfits, especially you know the okay, how do I say it, in black or red innerwear, okay, that's what they want to see you in, okay. So chaliye dekh lete hain, what are the fantasies of your person towards you, for you, theek hai, main towards you kyun bol rahi hu baar baar, theek hai, chaliye dekh lete hain. Okay, we have the page of cups. Yes, this is friends tarot for those of you who are friends fans. Okay. Let me make some space, make way for the sun. Okay. Then we have two of swords.
Then we have Three of Swords. We have Two of Wands. Nine of Cups. Justice. Oh, Queen of Wands. So especially if you are a feminine, this person is mighty attracted to you, okay? This person feels absolute magnetic attraction towards you, okay? ये person आपकी तरफ इतने attracted हैं कि बस इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है? Okay, and what I'm getting is कि ये person इनका कोई हो सकता है heartbreak हुआ हो या आप लोगों के बीच में contact कम हो या नहीं हो contact हो सकता है ठीक है या they have made you feel bad or rejected or something like that about yourself कुछ लोगों के लिए ऐसा message मुझे आ रहा है ठीक है कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई third party involvement हो इस connection में या वो third party की वजह से आपके connection में problems आई हैं या आ रही हैं okay so कुछ लोगों के लिए long distance connection भी हो सकता है ये and मुझे ऐसा message आ रहा है कि the feminine in this connection sees this person as a wish come true and let me tell you that they whether you're a feminine or masculine आप दोनों एक दूसरे को wish come true की तरह देखते हो ठीक है like wish fulfillment की तरह देखते हो आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों एक दूसरे की wish fulfillment हो ठीक है okay So, ये person is so attracted to you that they feel aroused when they see your pictures. ये बहुत aroused feel करते हैं जब भी आपके pictures देखते हैं. And they want to have painful intercourse with you. Okay, or they are going to have painful intercourse with them. ऐसा message मुझे आ रहा है. ठीक है. I'm getting BDSM vibes from this person. I'm hearing pain, something like BDSM from this person. Okay, मुझे ऐसा message आ रहा है कि ये जो person है, you know they have a crush on you the moment they saw you. Okay, and मुझे ऐसा message आ रहा है कि you know they feel very aroused if you know what I mean when they see you when they hug you they get aroused okay especially the man in this connection they get mighty aroused okay and I'm hearing pleasuring themselves okay thinking of you okay watching your pictures or they even want to do video calls with you or do video calls with you later on they pleasure themselves okay and they find you very attractive very beautiful and I'm getting the watch over you a lot, okay? Your social media or something. They feel if वो वो ये सोचते हैं कि वो काश distance को खत्म करके आपकी तरफ आ सकते, ठीक है? और हो सकता है ये person के पास थोड़ा आपकी तरफ आए ना आए इसको लेके भी confused है, ठीक है? और हो सकता है इस person के पास कोई दूसरा option भी हो ठीक है और इनको चॉइस करनी है आप में या उस पर्सन में ओके एंड मुझे सब मैसेज आ रहा है कि यू नो विद इन थ्री टू नाइन मंथ्स में इस कनेक्शन में कुछ क्लैरिटी क्लोजर कुछ कम्युनिकेशन ओपन कम्युनिकेशन आई एम हियरिंग होने वाला है और कुछ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है आई एम हियरिंग कि यू नो या तो बिल्कुल चीज़ें ठीक हो जाएंगी मैरिज तक आपकी इनसे हो सकती है ठीक है या फिर बिल्कुल चीज़ें एंड हो जाएंगी ऐसा मैसेज बिल्कुल एक्सट्रीम मैसेज मुझे आ रहा है ठीक है तो ओके दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि दे फील दैट योर यूथ यू आर वेरी यूथफुल लुकिंग वेरी यंग लुकिंग ओके एंड दे लव द वे यू डू योर हेयर आप अपने बाल जिस तरह से बनाते हो यू दे लव योर हेयर उनको आपके बाल पसंद है आपकी स्किन पसंद है एंड दे ये जो पर्सन है आप जब ड्रेसेस पहनते हो एंड स्पेशली यहाँ पर जो फेमिनिन है वो ड्रेसेस बहुत पहनती हैं वो जो भी पहनती है उसमें अच्छी लगती है ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में ठीक है और ये जो पर्सन है यू नो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए ठीक है
स्पिरिट इज सेइंग कि इनको जैसा आपके साथ फील होता है, आपके लिए फील होता है, आपके साथ जैसा फील होता है वैसा उनको किसी के लिए फील नहीं होता, इंक्लूडिंग अगर कोई दूसरा पर्सन है इनके लाइफ में तो भी उसके लिए भी उनको ऐसा फील नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है, हाउ रेजोनेंस फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ में सबके बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन हो, ठीक है। अगर नहीं है, आपको पता है ऐसा नहीं है, तो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट, ओके। तो मुझे से मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन गेट्स एन ई व्हेन दे थिंक ऑफ यू, लुक एट योर प्रीवियस चैट्स एंड लुक एट योर फोटोज, ओके, एंड दे थिंक ऑफ द प्रीवियस मोमेंट्स, दे आई एम गेटिंग द थिंक ऑफ द फर्स्ट किस यू हैड, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट किस हुई थी वो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग वाइल्ड, मुझे सो सुनाई दे रहा है कि वाइल्ड थाट्स उस पर्सन को आपको लेके आते हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग की आई एम नॉट गेटिंग वाइल्ड, आई एम गेटिंग द मैसेज वाइल्ड फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। सो ओके, ये पर्सन जो है आई एम गेटिंग दे वॉन्ट टू पुल योर हेयर एंड जस्ट डू समथिंग फिजिकल, लाइक यू नो, लाइक किस यू योर होल बॉडी, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। आपकी पूरी बॉडी को किस करना चाहते हैं, आपके बाल पकड़ के, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। सॉरी फॉर ट्रांसलेशन। एंड ये पर्सन हो सकता है दे ऑल्सो लाइक टू यूज कस वर्ड्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ओके, इंटीमेसी, लव मेकिंग, ओके। दे रियली वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दिस पर्सन फैंटसाइजिंग अबाउट द अदर पर्सन एंड यू टुगेदर, यू नो, लाइक मैं कैसे बोलूँ, मतलब टू सम थ्री सम, इस तरह से भी उस पर्सन ने उसमें उनके मन में आया हो कि दे वॉन्ट टू डू दिस, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और मुझे सब मैसेज आ रहा है कि अच्छा, जोडिक साइंस बता देती हूँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस पर्सन आई एम गेटिंग दे लव योर स्माइल, स्पेशली दे लव योर स्माइल, दे लव योर आइज, ओके, एंड दे वॉन्ट टू केयरस द, यू नो, द बॉसम ऑफ द वुमन, ओके, ओके। एंड मतलब आपके अपर एरिया को वो केयरस करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक लव टू दैट एरिया एंड एज मच एज दे कैन, ओके। एंड दे आई थिंक दे लव द अपर एरिया ऑफ द वुमन ऑफ योर्स, ओके। एंड ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, और मुझे ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि यू नो, दे से दैट आई कॉन्ट लिव विदाउट यू, दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, ओके। ये आपके बिना जी नहीं सकते, और आपको जो है जिस तरह से दूरियाँ आपके बीच में बनी हुई हैं, दिस इज किलिंग देम, उनको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ओके। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, दे आर गेटिंग पास दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रैवल करके आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन ट्रैवल करके शायद ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं आपसे। एंड कुछ लोगों का मैसेज मुझे आ रहा है सीक्रेट, आई एम हियरिंग सीक्रेट, तो ये सीक्रेट मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और दे यू दे विल लाइक मेक अ लॉट ऑफ लव टू यू, आप सुनने नहीं वाले, वो आपकी, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। अगर आप नहीं चाहते वैसा तो आप अवॉइड करिएगा सिचुएशन को, ठीक है। तो वो नहीं रोकना चाह रहे, आप खुद को नहीं रोक सकते, वो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग सम ऑफ फोर्स माइनॉरिटी की द फेमिनिन ऑल्सो वॉन्ट्स वेरी बैडली, कुछ लोगों के लिए मुझे से मैसेज आ रहा है, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, 1-2% के लिए, कि द फेमिनिन वॉन्ट्स इट बैडली एंड शी विल ऑल्सो वॉन्ट कि बार बार हो ऐसा, ओके। सो ओके, तो मुझे से भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी, कोई आप हो थर्ड पार्टी और वो किसी और किसी से प्यार करते हैं, ये कुछ लोगों के लिए वैसे मुझे ऐसा आ रहा है, तो वो यू नो बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे भी, और वो सीक्रेट अफेयर आपके साथ, कुछ शॉर्ट टर्म अफेयर आपके साथ करने वाले हैं। स्पिरिट कह रहे हैं कि वापस अपने पर्सन के पास ही जाएंगे वो, और ये सिर्फ एक सीक्रेट अफेयर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपके साथ में। अगर टेक इट हाउ रेजोनेंस, अगर आप थर्ड पार्टी नहीं हो, कोई और थर्ड पार्टी है और उनके साथ सीक्रेट अफेयर करके वापस आपके पास आएंगे, ऐसा वैसे मुझे आ रहा है, ठीक है। जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है बताइएगा, नहीं तो अगर ऐसा हो चुका है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्ट ट्रिगरिंग मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से, बट चलो
ठीक है, मुझे भी मैसेज आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि ओमकारा में एक ऐसा डायलॉग था कि तेरे हुस्न में कोई जादू टोना तो नहीं है, जैसे तो उनको ऐसा फील होता है कि आपने उनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया है या कुछ जादू टोना कर दिया है कुछ उनके ऊपर, एंड दे फील कि देर अंडर योर स्पेल. ओके, देर अंडर योर स्पेल, दे फाइंड आई एम फीलिंग बी विचिंग, दे फाइंड योर ब्यूटी वेरी बी विचिंग. ओके, एंड वो दे कैन नॉट कीप देम सेल्व अवे फ्रॉम यू, ऐसा मैसेज आ रहा है. वो अब खुद को आपसे दूर रखना ही नहीं पा रहे, रखना नहीं चाह रहे और रख भी नहीं पा रहे. वी हैव फॉरगिवनेस, ओके, देन वी हैव इम्पार्शियलिटी. देखो यहाँ पे भी टू दो लोग दो चीज़ें हैं, मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये पर्सन जो है किसी दूसरा पर्सन कोई है इनकी लाइफ में, या उनसे बातें इनकी चलती हैं कम से कम, और ये उसके साथ और आपके साथ दोनों के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं. ठीक है, चूज़ जिसके जिसके लिए सीरियस है उसी को चूज़ करेंगे, लेकिन दूसरे के साथ अफेयर करके उसको छोड़ देंगे, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है. ओके, बैलेंस. ओके, देन वी हैव इंस्टिंक्ट. ओके, सो आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड कर रही है इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, तो इंट्यूशन आपकी सही कह रही है, तो उसकी बात सुनिए. ठीक है, और ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे अगर उनको आपसे माफ़ी मांगनी थी, और माफ़ी मांगना चाहेंगे आपसे. इस पर्सन की तरफ से आपको अपॉलोजी आएगी पक्का, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. ये पर्सन चूज़ आपको ही करेंगे, या जो जिसके लिए जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं ना, जो मतलब इनका लव ट्रू लवर है उसको चूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं करेंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, उसके बाद वापस आएंगे. अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो वापस आएंगे, और आप लोगों के बीच में लव मेकिंग भी हो सकती है, और फिर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे. ठीक है, और बिल्कुल एक फेयर डिसीजन लेंगे ये पर्सन, बिल्कुल फेयर डिसीजन लेने वाले हैं, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि दे विल क्लेम यू. ठीक है, जो ओरिजिनल पर्सन है, थर्ड पार्टी नहीं, जो ओरिजिनल पर्सन है उसको उसकी जो है क्लेम करेंगे ये पर्सन. ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि माफ़ी मांगेंगे डेफिनेटली, अगर उन्होंने कुछ चीट किया आपके ऊपर, या चीट करने के बाद आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है. ठीक है, सो ओके, चलिए और चैनल मैसेज देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से. आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस. ओके, सो ये जो पर्सन है अपना प्यार आपको एक्शंस के थ्रू साबित करना चाहते हैं, और वो करेंगे भी, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पायवन की रीडिंग, थोड़ी ट्रिगरिंग थी, तो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो वो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि सबकी एनर्जीज आती हैं एक रीडिंग में, तो यू कैन जस्ट जो आपके साथ अच्छा लगा हो उसको आप रेजोनेट करके उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैनिफेस्ट माई डिज़ायर्स, तो इस पर्सन के प्रति आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी. ओके, सो चलिए मूविंग ऑन टू सेकेंड पाइल. सो फॉर सेकेंड पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया था, डायना कूपर अटलांटिस कार्ड्स. ओके, आप या ये पर्सन जो हैं, मैनिफेस्टेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, और ये पर्सन या आप थोड़े ये पर्सन ने हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया हो. ठीक है, और ये जब इनको ऐसा लगता है कि जब चाहें आपको पा सकते हैं. ठीक है, और आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. आपकी फिगर, आपकी बॉडी, आपके कपड़े, बॉडी लैंग्वेज आपकी उसे बहुत अट्रैक्टेड है. दे विजुलाइज यू नेकेड, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. आपको नेकेड विजुलाइज करते हैं ये, आपको इमेजिन करते हैं नेकेड विदाउट क्लोथ्स. ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, ऑल्सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि वो आपके हाथ को ऐसे ऊपर से पकड़ के, दे वॉन्ट टू लाइक मेक यू फील सबमिसिव एंड मेक लव टू यू, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है. ठीक है, कि आप उनको सरेंडर करो, ऐसा वो चाहते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स, दिस इज एन 18 प्लस रीडिंग. जो लोग 18 प्लस नहीं है, प्लीज़ मूव अवे फ्रॉम द वीडियो टू वॉच समथिंग एल्स, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बैकलैश अबाउट दिस कॉन्टेंट. अगर आपको पसंद नहीं है, आप दूसरा भी चैनल देख सकते हो, बहुत बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं. ठीक है, मुझे बैकलैश नहीं चाहिए. ओके, जो मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को बताना फ़र्ज है. ठीक है, चलो, सो अब ये पर्सन की क्या फैंटेसीज है आपको लेके, वो हम देखने वाले हैं, प्लस चैनल मैसेज हम एंड में देखेंगे. ठीक है, चलिए, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्स. ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स,
judgment. Ace of Pentacles, the Tower, the Star, Eight of Wands, wow, Eight of Wands, Two of Wands, okay, Two of Wands, Pile 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो अलग अलग लोगों के लिए रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आप Pile 1 भी देख सकते हैं, ठीक है, तो Two of Pentacles, Two of Wands, ये जो पर्सन है हो सकता है इन्होंने आपको जगल किया हो, कभी ये चीट किया हो आप पे, समय से मुझे आ रहा है, या ये दो लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, मतलब आपको भी प्यार करते हैं, किसी और के साथ तो फिजिकली अट्रैक्शन दिख रहा है बस, ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए आप बताइएगा, अगर नहीं है ऐसा तो बाकी की रीडिंग देख लो, ये इग्नोर मार दो, ठीक है, ओके, सो ये पर्सन जो है दे लव टू सी यू सिंगिंग एंड डांसिंग, एंजॉयिंग लाइफ, बीइंग हैप्पी, ठीक है, और ये पर्सन जो है ये आपको खुश देख के, नाचता हुआ देख के, यू नो लाइक आपको यू नो हैप्पी देख के, ये पर्सन बहुत खुश होते हैं, एंड आई एम गेटिंग ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन है इनको, काफ़ी मैग्नेटिक पुल इनको फील होता है आपकी तरफ, ठीक है, और ये शायद आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो, एंडिंग हुई हो आप लोगों के बीच में कोई, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में तो वो निकलने वाला है, इनकी लाइफ से निकलने वाली है, इनकी लाइफ से ये खुद निकालेंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, और ये पर्सन के साथ आपको रीयूनियन होने के चांसेस हैं, आई एम हियरिंग मेकअप मेकअप लव मेकिंग, ओके, तो ये मेकअप लव मेकिंग, मेकअप इंटरकोर्स हो सकते हैं आपके इनके साथ, अगर आप नहीं चाहते तो अवॉइड करना, ठीक है, ओके, सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं, दे फील कि आप लोगों का जो है सोल मेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अगर नहीं भी पता तो भी दे फील अ स्पेशल कनेक्शन विद यू, ठीक है, इस पर्सन के लिए आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हीलिंग क्वालिटीज, आपका ऑप्टिमिज्म इनको बहुत पसंद है, ठीक है, एंड दे फील कि आप एक बहुत उम्दा इंसान हो, तो देर इज मोर ऑफ एन यू नो स्टेबिलिटी, मेच्योरिटी के सेंस में आपको ज़्यादा देखते हैं पर्सन, आई विल से कि मैग्नेटिक पुल अट्रैक्शन है, एंड आई एम हियरिंग दे वॉन्ट टू अनड्रेस यू, ओके, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, आपको अनड्रेस करना चाहते हैं पर्सन खुद, और आई एम गेटिंग कि दे वांट टू प्रोबेबली रिमूव योर क्लोज थ्रू देयर माउथ, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, अपने माउथ से अपना आपके क्लोज रिमूव हटाना चाहते हैं, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, स्पेशली आपका इन अवेयर, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ये जो पर्सन है दे लाइक मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, दे लाइक टू सी यू नेकेड, इन्होंने आपको नेकेड देखना चाह रहे हैं, और ऐसा मैसेज स्पिरिट बोल रहे हैं कि दे विल डू इट, दे विल डू इट, ठीक है, ये करेंगे ऐसा आपके साथ, ठीक है, दे विल अनड्रेस यू एंड दे विल डू वट एवर दे कैन टू यू, लव मेकिंग में जितना कर सकते हैं दे विल डू इट, ओके, एंड देन पॉसिबली ये भी दिख रही है कि ऐसा नहीं है कि चले जाएंगे उसके बाद, ठीक है, आपकी तरफ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आई एम हियरिंग कि आपकी मैरिज इनसे होने के चांसेस हैं, और होगी ऐसा स्पिरिट कह रहे होगी, और ये बिफोर दैट कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी आ सकती है, तो अगर आप नहीं चाहते तो अवॉइड करना, ठीक है, और तो शादी फिर भी करेंगे आपसे, ये अगर आपका शादी से पहले होता है इंटरकोर्स, उसके बाद भी आप अगर आपको इनसिक्योरिटी कुछ होती है तो ये तब भी आपसे शादी करेंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि इंटरकोर्स इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो इनका प्यार कम नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, तो ऐसा मैसेज मुझे एक चीज़ और आ रही है कि दिस पर्सन गेट्स एन ई व्हेन दे हग यू, दे लुक एट योर पिक्चर्स, देन यू नो दे फैंटेसाइज बीइंग विद यू, ठीक है, एंड वो आपको ड्रेसेस में देखना चाहते हैं, आपको कोई ड्रेस हो सकता है गिफ्ट भी करें, कुछ लोगों को हो सकता है लॉन्जरी गिफ्ट करें आपको, ठीक है, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि दे वॉन्ट अ क्विकी विद यू, हो सकता है कि जो आपकी शादी हो इनसे दिल हैव लॉट्स ऑफ क्विकीज विद यू, ठीक है, तो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है दिस पर्सन आई एम हियरिंग वोंट बी एबल टू गेट देयर हैंड्स ऑफ यू, ठीक है,
दे विल बी लाइक कहते हैं ना कि दे विल नेवर बी एबल टू गेट इनफ ऑफ यू, ठीक है, दे विल कीप स्टिक टू यू, मतलब इमोशनली भी और फिजिकली भी आपकी स्पाइस्ड अप रहने वाली आपकी इंटीमेट लाइफ, ठीक है, इनके साथ. मुझे ऐसा आ रहा है दोनों की तरफ से ऐसा होगा, अट्रैक्शन आप दोनों का ज़बरदस्त है एक दूसरे की तरफ, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, चाहे इमोशनली हो स्पेशली फिजिकली, तो फिजिकल लाइफ आपकी इंटीमेसी इतनी ज़बरदस्त रहने वाली है इनके साथ में. ओके, सो आई एम गेटिंग दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट यू प्रेगनेंट. ओके, दे वॉन्ट टू हैव अ बेबी विद यू एंड दे वॉन्ट टू यू नो लाइक हाउ डू आई से इट, दे डेफिनेटली वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट, दे वॉन्ट टू यू नो लाइक बहुत इमेजिन करते हैं वो जो नेदर एरिया, आपका जो नेदर एरिया है उसको इमेजिन करते हैं आपके नेदर एरिया के प्रति इनके मन में बहुत डिज़ायर और पैशन है, ठीक है, एंड दे वॉन्ट टू लिक यू एंड यू नो केयरेस यू, स्पेशली द नेदर एरिया बॉटम एरिया. ओके, एंड दे कांट गेट इनफ ऑफ दैट, आई एम गेटिंग इनको बहुत पैशन है उस एरिया को लेके, आपके उस एरिया को लेके, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग की वीडियो सेक्स, आई एम हियरिंग आप लोगों के बीच में उसका वीडियो सेक्स हुआ हो या होने वाला है, सब मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है, और मुझे सब मैसेज आ रहा है कि दे लव यू, दे लाइक टू सी योर नेवल, योर टमी, योर मिडरिफ एरिया, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग दे लाइक योर neck, they like the upper area of yours, ठीक है, and they want to kiss you so badly that you are numb, you know, so that your lips are sore, ऐसा message मुझे आ रहा है, ठीक है, they love your lips, I'm getting, okay, and they want to play with your hair, आपके बालों से खेलना चाहते हैं, ऐसा message मुझे आ रहा है, ठीक है, स्पेशली आपका अपर एरिया जो है उसको लेके तो दीवाने हैं ये पर्सन, नहीं छोड़ने वाले आपको, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये पर्सन द मोमेंट दे गेट देयर हैंड्स ऑन यू दे विल नॉट स्पेयर यू, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है. आई एम ऑल्सो गेटिंग यू कुड गेट अ फ्यू साइज बिगर आफ्टर लव सेशन, कपल ऑफ स्टीमी सेशन होने वाले हैं इनके साथ आपके, उसके बाद यू आर गोइंग टू पुट ऑन सम वेट, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, गोइंग टू गेट बिगर especially on the upper area, okay, so I'm getting they want to, for some of you they want rough sex with you, aisa message mujhe aa raha hai, theek hai, and okay, so all right, so I'm also getting that this person will leave third party for you and come towards you, and आपको भी ले जाएंगे साथ में अपने, अगर ये अब्रॉड रहते हैं तो कोई दूसरे सिटी से कंट्री में जहाँ पे भी रहते हैं आपको अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं ये पर्सन, दे वॉन्ट टू लिव विद यू. ओके, अब देख लेते हैं चक्र विजम ओरेकल कार्ड्स, जॉय क्रिएशन, सी आई टोल्ड यू दे वॉन्ट टू गेट यू प्रेगनेंट, सेल्फ-वर्थ, परफेक्शन, फर्टिलिटी का कार्ड भी आ गया, देखो फर्टिलिटी होता है पोमेग्रेनेट्स, कन्फ्यूजन, ठीक है, रिजेक्शन, ओके, देन वी हैव इम्पेशेंस, आई टोल्ड यू इनको पेशेंस नहीं होगा, इस पर्सन ने अगर आपको रिजेक्टेड फील कराया है या आपने इनको कभी रिजेक्ट किया है उसके बावजूद ये पर्सन इम्पेशेंट होकर आपकी तरफ आने वाले हैं, और अभी कन्फ्यूजन में हो सकता है हो ये पर्सन, ठीक है, लेकिन ये आएंगे, यू मेक देम फील वेरी हैप्पी, आई एम गेटिंग, ओके, आपको प्रेगनेंट करना चाहते हैं ये जो फीमेल है उसको, एंड बहुत ज़्यादा लव मेकिंग करने वाले हैं आपके साथ में, दे गोइंग टू अनड्रेस यू वेरी टाइम and have multiple sessions with you, multiple penetration I'm hearing, okay, so I'm getting ki you're going to shiver, aisa message mujhe aa raha hai, feminine in this connection is going to shiver, okay, after those couple of sessions, okay, ye person aapko bilkul perfect roop mein dekhte hain, kya bilkul perfect ho jaisa chahiye thi person mujhe waise ho aap, theek hai, I'm getting the channel song ki kitna sona tujhe rab ne banaya, kitna pyara tujhe rab ne banaya, okay, that channel song, okay, aapne aapka shayad koi level up hua hai, level up hoga agar aap separation में चल रहे हो, तो ये पर्सन जो आपकी तरफ आएंगे आपका लेवल अप होगा, ग्लो अप होगा आपका, यानी कि अपग्रेड होगा फाइनेंशियली, करियर वाइज आपको कुछ स्टेबिलिटी काफ़ी आ जाएगी आपकी लाइफ में, और ये पर्सन फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, एंड दे कांट गेट इनफ ऑफ यू, आपको छूना चाहते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू गेट देयर हैंड्स ऑफ यू, ठीक है, तो अपने सेल्फ वर्थ को रेज करके रखिए, अगर आप चाहते हो पर्सन आपके आपके लिए पागल रहें
तो आपने ये करना है, ठीक है. सो आई एम गेटिंग यू मेक दिस पर्सन वाइल्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू हार्ड, ठीक है. दे फाइंड यू वेरी हॉट, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है. आप देख लेते हैं चैनल मैसेज उस पर्सन की तरफ से. आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ओके. तो ये कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे जो भी दिखा रहे हैं वो आपके लिए ही दिखा रहे हैं, वो आपके लिए ही शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है. ओके ओके. सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा मैनिफेस्ट माई डिज़ायर्स, मैनिफेस्ट माई लव फॉर दिस, फॉर माई स्वीट हार्ट. तो ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है. एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. टेक गुड केयर. चाओ.